दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। दोस्तों आपको एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अभी टाइम ना हो तो इस वीडियो को बाद में एकाध में जरूर देख लें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के एक अनूठे और अनोखे रहस्य के बारे में। संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है, और क्या कभी हम इंसान इस ब्रह्मांड के कोने यानी छोर तक पहुंच सकेंगे? तो दोस्तों इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कृपया बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों। दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों इंसान तो बहुत दूर की बात है, आज तक ऐसा कोई मानव रहित उपकरण भी नहीं है जो ब्रह्मांड तक पहुंच सका। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण की तरह दिख रही है, इसीलिए ब्रह्मांड को अनंत और असीम कहा जाता है और ब्रह्मांड का छोर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से अंतरिक्ष का डेटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में कई जानकारियां रिकॉर्ड की हैं जो बड़ी ही चौंका देने वाली है। और आज हम आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के किनारे तक की यात्रा पर ले जाने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में लास्ट तक और करिए हमारे साथ ब्रह्मांड की यात्रा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए ब्रह्मांड की रोचक यात्रा के लिए और जानिए कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है और कहां कहां कितना बड़ा हमारा ये ब्रह्मांड है। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने गैलेक्सीज हैं और उन्हीं में से एक है मिल्की वे यानी आकाशगंगा, और इसी सौर मंडल में बसे आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी है जहां हम रहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा और आप हमारे इस वीडियो में देख भी रहे हैं कि रात के समय में हमें काफी सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं जो कि हमारे इसी आकाशगंगा में मौजूद हैं। तो चलिए अब हम पृथ्वी छोड़कर चलते हैं ब्रह्मांड की ओर यानी अंतरिक्ष यात्रा पर। तो दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचते ही थोड़ी दूर से हमारी पृथ्वी इस तरह दिखाई देती है, जिसमें हमारी पृथ्वी पर हमें नीले और हरे रंग की परतें दिखाई देती हैं। और यहां से हम सभी उन महाद्वीपों को भी देख सकते हैं जो पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई देती। अब चलो दोस्तों आगे चलते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर स्केप क्राफ्ट के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी चीजों का अतिरिक्त भंडार किया हुआ है। और इतना ही नहीं, यहाँ एस्ट्रोनॉट का रहने, खाने पीने और सोने का बेहद ही खास इंतजाम किया गया है। और यहाँ दुनिया भर के स्पेस रिसर्चर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर जाकर अंतरिक्ष में रिसर्च करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है, जिससे इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं और ये एक दिन में करीब पृथ्वी के 16 बार चक्कर लगा लेता है। दोस्तों दोपहर के समय में तो ISS से पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों और महाद्वीपों की आकृतियों को काफी आसानी से देखा जा सकता है, और वहीं रात के समय पृथ्वी के शहरों में जलती लाइट जगमगाते सितारों की तरह दिखाई देती है और ये नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इस स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर हमें काफी सैटेलाइट का जाल दिखाई देता है। यहाँ इंसानों के द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं सैटेलाइट के बदौलत हम मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों अपने सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आ चुके हैं चांद पर, जो हमारी पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। न जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा, धूमकेतु और कई क्षुद्र ग्रहों की मार झेल रहा है, इसलिए इसकी सतह में कई बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी ज्यादा न पहुंचने से चंद्रमा पर ज्यादातर अंधेरे का माहौल ही बना रहता है। वहीं अगर पृथ्वी की बात करें तो जिस तरह पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा और सूरज का उदय होता है, ठीक उसी तरह ही चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और चंद्रमा से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है। तो दोस्तों चलिए अब हम सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य देव की तरफ चलते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं
तो वो हमें एक छोटे गोले की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सूर्य इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर एक दो नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वियों को अपने अंदर समा सकता है। और वहीं सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। और इसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जैसे 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह प्लूटो, अनेकों चंद्रमा और धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों और उपग्रहों से और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। और अब सोलर सिस्टम से और दूर जाने पर हमें हमारा सौर मंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, हमारे प्यारे मित्रों। और अब हम अपने सफर को और आगे बढ़ाते हुए सौर मंडल के छोर की तरफ चलते हैं और यहाँ धूमकेतु का विशाल समूह दिखाई देता है जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं। कुइपर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा धूमकेतु मौजूद हैं, जो हमारे सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक और सोलर सिस्टम जो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहर है उस सोलर सिस्टम पर चलते हैं, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जहाँ एक नहीं बल्कि 3-3 सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। और दोस्तों अब हम अपनी पृथ्वी के केवल 20 प्रकाश वर्ष दूर गिलिस 581 प्लेनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका गिलिस 581 सी ग्रह नाम से जाने जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। इस ग्रह पर इंसानों के रहने लायक तापमान, तरल स्वरूप में जल और पृथ्वी जैसी सतह मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना ये है कि इस ग्रह पर एलियंस के होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों अब और आगे बढ़ते हुए चलते हैं पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष दूर, जहां पर स्टीफनसन 280 नाम का तारा मौजूद है। और दोस्तों ये हमारे आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है, जो करीब सूर्य से लगभग 2000 गुना बड़ा है और इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। दोस्तों तारों के ब्रह्मांड में कई रूप मौजूद हैं, जिनमें से एक है व्हाइट ड्वार्फ। हमारे सूरज जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सूरज से करीब 10,000 गुना ज्यादा होता है। और दोस्तों आपको जानकर ये एक हैरानी होगी कि इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 15 टन के बराबर होता है। और दोस्तों ये ज्यादा चमकीले नहीं होते क्योंकि इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। और वहीं हमारी आकाशगंगा में न्यूट्रॉन स्टार मौजूद हैं, जो आकार में सूर्य से काफी छोटा होता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा है। इस तारे पर एक चम्मच पदार्थ का वजन 2 अरब टन के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस न्यूट्रॉन स्टार तारे पर भी मानव जीवन संभव है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई जीव बसते भी होंगे तो उन जीवों की आयु मात्र कुछ मिली सेकेंड की ही होगी। तो दोस्तों अब अपने यात्रा में और आगे बढ़ते हुए और हम देखते हैं अपने गैलेक्सी मिल्की वे को, जिसमें 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है और 10 अरब व्हाइट ड्वार्फ भी मौजूद। वहीं हमारी गैलेक्सी में 100 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं, अनगिनत धूमकेतु मौजूद हैं और न जाने ऐसे कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें हम अभी जान ही नहीं पाए हैं। और इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट को जिसने अपने आसपास थाम रखा है वह है हमारी आकाशगंगा का सेंटर। वहीं मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। मिल्की वे यानी आकाशगंगा को लेकर एक रोमांचक तत्व तो ये है कि इतनी बड़ी है कि लाइट भी अगर इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो उसे भी इस सफर को पूरा करने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। दोस्तों अब हम अपनी गैलेक्सी से निकलकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी से अधिक बड़ी गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, जिनमें से हर 30 गैलेक्सी के समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और अब हम देख रहे हैं बिगो सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल हैं। ये सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। दोस्तों अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं तो हमें बिगो सुपर क्लस्टर जैसे काफी सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने लेनी एक यह सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें करीब 1,00,000 गैलेक्सी शामिल हैं। दोस्तों लेनी एक यह सुपर क्लस्टर से थोड़ा और दूर जाने पर हमें इसके जैसे कई और बड़े सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं अपने ब्रह्मांड को, जिसमें लेनी की सुपर क्लस्टर भी एक छोटे बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखने पर पृथ्वी या सौर मंडल तो दूर की बात, मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख पाना नामुमकिन है। और अब शायद आपको ये हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जानकर आपका शायद दिमाग घूम जाएगा
कि ये हमारा सिर्फ अनुमानित ब्रह्मांड है और कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.8 मिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, तब से लेकर हमारा ब्रह्मांड आज तक फैलता चला जा रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का ना ही कोई छोर है और ना ही कोई सेंटर, यानी इंसानों का ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, यानी कि अंतरिक्ष का कोई छोर नहीं है, यानी कि साफ शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों हमने इस वीडियो में प्रकाश वर्ष के बारे में बात की है, आपको अगर जानकारी नहीं है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है और किसे कहते हैं तो जानिए हमारे अगले वीडियो में। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के वीडियो में, अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।